पटली पल्लू साड़ी तैयार करते हैं। सबसे पहले लेंगे, ये देख सकते हैं आप, पल्लू है। पल्लू की साइड में पल्लू के लिए छोड़ेंगे 15 इंच का, आपको जितना रखना हो पल्लू लंबा उस हिसाब से आप रख ले। नॉर्मली 15 इंच का बिल्कुल बराबर होता है, तो ये 15 इंच हो गया पल्लू के लिए, ये हो गया। यहां से हम लेंगे पल्लू से लेकर के यानी शोल्डर से लेकर के नाभी तक का 52, किसी के 48 भी होता है, किसी के 50 भी होता है, किसी के वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। हैवी चेस्ट होती है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नहीं तो कम होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 52 का, ये छोड़ दिया। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, इसको हम पकड़ेंगे और यहां से आगे तक की जो ये इसकी जो लेंथ होती है ये वाली, क्योंकि ये लेंथ लंबाई छी 40 इंच ही तैयार, और साड़ी की लंबाई होती है 44 इंच होती है, तो हम 39 रख करके और 5 इंच ये जो ऊपर की साइड है, ऊपर की जो पट्टी है, इसमें से 5 इंच निकाल लेंगे। इसी की हम बेल्ट तैयार करेंगे और इसी की हुक और आई की पट्टी तैयार करेंगे। तो पहले मैं ये 5 इंच निकाल लेती हूँ, आपको बता दिया, पहले पल्लू का छोड़ दें और ये लपेटा छोड़ दें शोल्डर से नाभी तक का, उसके बाद में जो पार्ट बचता है उसकी आपको 5 इंच की लेयर निकालनी है। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ 52 पे और यहां से मैं नीचे कर देती हूँ 5 इंच की। इस साड़ी में मैं 5 इंच निकाल रही हूँ, तो ये मैंने 5 इंच का पॉइंट लगा दिया है। और अब स्टार्ट से लेकर के यहां तक हम इसको कट कर लेंगे, निकाल लेंगे इस पट्टी को। ये हो गया 5 इंच का कट और अब इसको हम यहां से लेते हैं स्टार्ट में। यहां से हम नापेंगे 5 इंच और एक लंबी सी कट लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसी से आपकी बेल्ट बनेगी और इसी से आपकी जो है वो, ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है हमारा पॉइंट। अब हम इसको कैंची से कट कर देंगे। तो ये जो पट्टी निकली है इसी से हम मैं बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। बेल्ट में तैयार करूंगी 40 इंच का और ऊपर की जो होती है आई लगाने वाली वो मैं तैयार कर रही हूँ 10 इंच की। तो ये देखो मैंने स्टार्ट का इतना छोड़ करके पट्टियां सेट कर लिया। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको हमें यहाँ पे ऐसे सेट कर देना है, इसके नीचे इसको ऐसे सेट करके और अपनी जो पटलियां हैं इसके नीचे आपको ऐसे इसको दबा देना है, ये इस तरह से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ, फिर मैं आपको बेल्ट लगाना बताऊंगी। मैंने इसको लॉक कर दिया है और ये प्लेट्स भी डाल लिया है यहाँ से यहाँ तक, और एक प्लेट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से डाल सकते हैं जिससे कि जो कमर है वो कम हो जाए और नीचे आपको घेर फूल मिले जिसे पहनने में आसानी हो। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 प्लेट्स मैंने डाल दिए हैं, 1 2 3 4। और अब इसके नीचे हम पेटीकोट जो हमने तैयार किया वो ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये पेटीकोट तैयार किया हुआ है, सीधा 2 कली का पेटीकोट है, ऊपर में चुनट डाली हुई है, तो इसके नीचे हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट से थोड़ा सा छोड़ते हुए और नीचे पेटीकोट रख करके मैं इसके ऊपर इसको स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद हम इसके साथ जो है ऊपर वाला बेल्ट लगा लेंगे। तो पहले पेटीकोट अटैच कर लेते हैं। जब तक मैं सीधी सिलाई निकालती हूँ तब तक आप देख लें पेटीकोट को कैसे तैयार करना होता है साड़ी में लगाने के लिए। ये मैंने पेटीकोट पीस लिया है और सीधा ही हम इसको ज्वाइंट करेंगे इसके 2 पल्लू करके। तो सबसे पहले जितनी इसकी लंबाई है वो लंबाई जांच लेते हैं, हमें तैयार लंबाई चाहिए 38 और उसके बाद नीचे का जो फोल्डिंग है वो यहाँ पे नीचे छोड़ देंगे 2 इंच फोल्डिंग का और 38 इसकी लंबाई, टोटल हो गई है 40। तो नीचे से हम यहाँ से और 40 इंच तक का रख लेते हैं, बाकी का हम निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 40 होता है, तो यहाँ पे हम इसको जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स है 40 से ज्यादा उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये यहाँ तक हम रख लेते हैं 40 इंच तक।
तो एक्स्ट्रा पार्ट्स भी मैंने पॉइंट लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैंने कट कर दिया है। अब ये दो ही पार्ट्स है तो आपको सीधा इसको ज्वाइंट कर लेना है दोनों को, और फिर ऊपर चुन्नट डाल करके इनको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी एक सिलाई लगा देते हैं, और साइड पे यहाँ पे कॉर्नर्स है तो आपको फोल्डिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये दोनों साइड ओपन रहेंगी और ये दोनों साइड ज्वाइंट करके और ऊपर की साइड में मैं इसके अंदर ऐसे चुन्नट डाल दूंगी। जैसे इसको दोनों को ज्वाइंट किया, फिर इस तरह से चुन्नट डाल करके, और हमें इसको 36 तैयार करना है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर की साइड में इसमें चुन्नट डाल दी है, नीचे से मैंने इसको देखिए आप ये फोल्ड कर दिया है, और ये दोनों साइड इसकी ओपन है, ये भी साइड ओपन है और ये भी साइड इसकी जो है वो ओपन रहती है। तो दोनों साइडें ओपन है, पेटीकोट बिल्कुल से रेडी हो गया साड़ी के अंदर। ये साइड जो है साड़ी के अंदर हम इसको अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने पेटीकोट को इसके साथ स्टिच कर लिया है, पूरे को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इस पे बेल्ट लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट से इसको फोल्ड कर ले, और फोल्ड करने के बाद यहां से हम इसको बेल्ट को स्टार्ट करेंगे। यहां से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे इस तरह से पेटीकोट की साइड में, और ऊपर की साइड में हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो हम यहां से इसको सिलना शुरू करते हैं। एक सिलाई लगाते हुए मैं इसकी स्टिचिंग ले रही हूं। तो आप देख सकते हो जो पट्टी हमने ऊपर से निकाली थी उसी को मैं यहां पे स्टिच कर रही हूं। बस आपको सीधा सिलाई करना है डबल करके, पट्टी को मैंने डबल कर लिया है और पूरा सील लेते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी पट्टी है, जो बचेगी उससे हम आई वाली पट्टी बना लेंगे। तो पहले एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है, और जो बच्ची है उसकी हम देखिए ये वाली आई वाली पट्टी कर लेंगे। तो इतनी अभी हमारे पास है, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी का कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब स्टार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, पट्टी को ऊपर की साइड जो सिलाई है वो उसको ऊपर की साइड में, और इसको हमें ऐसे करना है, फिर इसको इसके ऊपर ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। पूरे बेल्ट पे हम इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। देखिए पीछे से हमने स्टिच किया था इसको पेटीकोट की साइड से, और आगे की साइड में इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ पूरी, यहां तक जो पटली तक जो हमने यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है यहां तक हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देख सकते हो मैंने ऊपर वाला बेल्ट भी यहाँ पे स्टिच करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए ये बेल्ट यहाँ पे लग करके, और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम कट कर देंगे। नीचे पेटीकोट भी अटैच हो चुका है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट में थोड़ा सा छोड़ना है। तो बेल्ट अटैच हो गया। अब इसके ऊपर आई वाली जो पट्टी है वो तैयार करके, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, और यहां से लेकर के हम यहां तक यानी 10 इंच तक आई वाली पट्टी लगा देते हैं। आई की पट्टी के लिए 30 से 40 इंच की ये पट्टी तैयार कर ली। जैसे हम डोरी निकालते हैं वैसे इसको निकाल करके सीधा कर लिया। अब देखिए बीच में इस तरह से आपको प्लेट्स यानी चुन्नट डाल करके आपको बीच में सिलाई लेनी है, और ये बीच वाली सिलाई हम लास्ट में खोल देंगे। पर एक बार आपको इसको बीच से रेडी कर लेना है, फिर इस पट्टी को आपको बेल्ट पे लगा करके और दो इसकी स्टिचिंग लेनी है दोनों साइड में। तो इस तरह से देखिए सुइए की सहायता से ये प्लेट्स बहुत ही आसानी से डाली जा सकती है। जो 30 से 40 इंच की पट्टी लेते हैं तो ये तैयार होकर के 10 से 12 इंच की रह जाती है। तो 10-12 इंच की हमें पट्टी चाहिए होती है। तो ये लगभग 12-12.5 इंच की पट्टी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसको स्टार्ट में थोड़ा सा लगभग 2 से 3 इंच छोड़ते हुए फिर इसको स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई ऊपर की तरफ लेंगे, एक सिलाई हम नीचे की ओर लगा देंगे।
तो बीच की सिलाई को हम खोल देंगे। तो ये आपकी आई की पट्टी हो गई है, जो हम हुक डालेंगे तो हुक डालने वाली आई का जो बेल्ट है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से स्टिच हो चुका है और बीच वाली सिलाई को भी मैंने खोल दिया है। तो अब आप देख सकते हैं, आप चाहे जिस हुक आई के अंदर हुक को डाल सकते हैं, जितनी भी आपकी कमर पतली या मोटी हो आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी पतली पल्लू पतली वाली साड़ी जो है पेटीकोट के साथ स्टिच होकर के तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसे लगा, कितना पसंद आया? अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।